सुक्खू सरकार के लिए सीमेंट विवाद जी का जंजाल बन गया है। दालाघाट और बनवाना के ट्रक ऑपरेटर 40 दिनों से सड़कों पर है। उद्योग मंत्री और अधिकारियों की मध्यस्थता करने के बाद भी मामला नहीं सुलझ रहा है। अब आनन फानन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बैठक बुलानी पड़ी है। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक होनी तय हुई है। इधर भाजपा सीमेंट विवाद को लेकर लगातार सुक्खू सरकार को घेर रही है। अब बजट सत्र में सुक्खू सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। सरकार ने प्रदेश में सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए खनन को पट्टे पर जमीन दी है। आपको बता दें कि सीमेंट उद्योगों को ये जमीन स्थानीय लोगों से लेकर दी गई है ताकि उद्योगों को कच्चा माल खासकर खनिज जुटाने में परेशानी न हो। इसके अलावा सीमेंट उद्योगों को दूसरे राज्यों से सस्ती बिजली और पानी सहित कई अन्य रियायतें भी उपलब्ध करवाई गई है। सीमेंट ढुलाई के रेट कम करने को लेकर जिस तरह कंपनी प्रबंधन ने अपना अड़ियल रवैया अपना रखा है, उससे ट्रक यूनियंस के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है। उस स्तरीय कमेटी और उद्योग मंत्री ट्रक मालिकों और सीमेंट प्लांट प्रबंधन के बीच समझौता नहीं करा पाए हैं। अब मुख्यमंत्री ने सीमेंट विवाद सुलझाने को 31 जनवरी को ट्रक मालिकों और सीमेंट प्लांट प्रबंधन को वार्ता के लिए शिमला बुलाया। हालांकि दालाघाट ट्रक यूनियनों के सांझे मंच के सदस्य रामकृष्ण शर्मा कहते हैं कि उनके प्रतिनिधियों को अभी तक सरकार से बुलावा नहीं आया है। इस बैठक के लिए निमंत्रण का इंतजार है। दूसरी ओर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहले ही कह चुके हैं कि सीमेंट कंपनी के साथ पूर्व में किए करार की समीक्षा से पहले विधि विभाग से राय ली गई है।